2019 की लड़ाई में कई सीटें वीआईपी हैं, लेकिन जिस पर पूरे देश की नज़र है वो है उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट। वजह साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इससे भी खास वजह ये कि गांधी परिवार का एक बड़ा चेहरा मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ दावेदारी ठोक सकता है। वो नाम है प्रियंका गांधी का। काशी से चुनाव लड़ने की हवा सबसे पहले खुद प्रियंका गांधी ने दी थी। उन्होंने रायबरेली में कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर मैं वाराणसी से लड़ जाऊं तो कैसा रहेगा। प्रियंका के इस बयान से साफ था कि जब से पार्टी में जिम्मेदारी मिली है तभी से उनके मन में वाराणसी का नाम फाइनल हो गया था। कुछ दिन पहले जब रॉबर्ट वड्रा से प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया तो वड्रा ने भी बिना हिचकिचाते हुए प्रियंका का नाम काशी से फाइनल कर दिया। और जब यही सवाल राहुल गांधी से हुआ तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया, उल्टा सस्पेंस को बढ़ा दिया। रविवार को फिर से प्रियंका ने कहा कि अगर राहुल गांधी की सहमति मिलेगी तो वो काशी से लड़ने को तैयार हैं। राहुल और प्रियंका कभी भी किसी चीज को बेवजह इतना लंबा नहीं खींचते हैं। निष्कर्ष ये है कि दोनों के मन में काशी बसा है। इसकी एक बड़ी वजह ये कि प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी महासचिव हैं और अगर वो वाराणसी से लड़ती हैं तो भले वो हार जाएं लेकिन आसपास की लोकसभा सीटों पर इसका असर जरूर पड़ेगा और उनके नाम के सहारे पार्टी को दो चार सीटें मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। प्रियंका का यही दांव उन्हें काशी के मुश्किल मुकाबले में खींच कर ले जा रहा है। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पर्चा भरेंगे और अगर सब कुछ प्रियंका के मन मुताबिक रहा तो मोदी के पर्चा भरने के दो दिन बाद यानी 28 अप्रैल को वाराणसी से वो नामांकन दाखिल करेंगी, क्योंकि 29 अप्रैल को मध्य यूपी में चौथे चरण के चुनाव हैं और प्रियंका के नामांकन को देखकर वोटर्स में फर्क पड़ेगा ऐसी पार्टी को उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।